ये बड़े अच्छे संगीतक के भाई नवीन जी आपको एक बढ़िया भजन सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारी किशोरी जी राघव को बरमाला पहना दे। एक बात बताएं, ये बरमाला क्यों पहनाया जाता है? ये विजय श्री की माला है, जो दूल्हा श्रेष्ठ वर, जो कोई अच्छा और बड़ा काम करके आता उसको बरमाला पहनाया जाता है। और आजकल दूल्हे लोग जाते हैं और ये हमारे घर की बच्चियां उनको जो है जयमाला पहनाती, काहे के लिए? कौन सा बड़ा काम किया है भाई? एक लड़की वाले ने कहा हम बरमाला नहीं पहनवाएंगे, लड़के वालों ने कहा क्यों? राम जी के गले में सीता जी ने माला डाला था, तुमको क्या दिक्कत है? उसने कहा राम जी ने धनुष तोड़ा था, तुम्हारे लड़के ने कौन सा धनुष तोड़ा? उस लड़की के पिता ने एक 5 हाथ की लाठी वहीं फेंक दिया, कहा राम जी ने अकेले धनुष तोड़ा था, तुम बाप बेटा मिलके लठिया ही तोड़ दो, हम जयमाला पहनवा देंगे। हिम्मत नहीं पड़ी, हमारे राघव जी माला पहनने के लिए कोई उत्सुक नहीं है, किशोरी जी के गले हाथ में माला और सखियां किशोरी जी से आज कहती हैं, ध्यान देना क्या कहती हैं, अरे झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। आज किशोरी जी की सखिया क्या कहती है? ए बेटा बैठो, सभी लोग बच्चों को बिठाओ भाई, खराब न करो माहौल। झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, झुक जाओ चतुर सखी लखी। ए सखियों ने क्या कहा? चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा रहो जय माल सुहाई, पहिरा रहो जय माल सुहाई। सीता जी माला क्यों नहीं पहना रही है? क्योंकि राम जी हमारे थोड़ा ऊंचे हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया क्या ऊंचाई है, कहा पहिरावहु जयमाल, लेकिन राघव का सू जो है, सू सू माने जूता, वो हाई हील का है, इसलिए हमारे राघव जी थोड़ा ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल सुहाई, पहिरावो जय माल सुहाई। तनी दया करो रघुवीर, गले मेरी छोटी है, तनी दया करो रघुवीर, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है, झुक जाओ तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है।
लगता है